गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैरम पास और लेजेंडरी स्ट्राइकर के बारे में। दोस्तों कुछ अर्सा पहले जमोट भाई ने भी इसके बारे में बात की थी, तो आज हम फिर एक मरतबा उसी मुद्दे पे बात करेंगे कि हमने एट बाल पूल बहुत गेम प्ले किए। हो सकता है आप में से अक्सर प्लेयर जो हों वो भी एट बाल पूल शौक से खेलते रहे हों या फिर टाइम पास करने के लिए प्ले करते रहे होंगे। तो अक्सर दोस्तों को तो शायद ये मालूम होगा कि लेजेंडरी स्ट्राइकर, जिस तरह यहाँ पर लेजेंडरी स्ट्राइकर है वहाँ पर लेजेंडरी क्यों है। भाई ने आज से तकरीबन 3 से 4 साल पहले वीडियो बनाई थी इसके बारे में, तो कह रहे हैं पूल वालों ने लेजेंडरी क्यों की, लेजेंडरी क्यों के मुकाबले में यहाँ पर लेजेंडरी स्ट्राइकर प्रोवाइड कर दिया। लेकिन वहाँ पर एट बाल पूल में आपको यहाँ पर यह भी बता दूं जा रहा भाई कि उस वीडियो पर स्ट्राइक भी आई थी इसी बारे में बात की थी। एट बाल पूल में जो लेजेंडरी क्यू होती है और उस पर जो होता है, जब अगर बंदा 30 मिलियन की गेम प्ले करता है तो हार जाए या फिर 50 मिलियन की गेम प्ले करता है, कोई भी गेम प्ले करता है तो हार जाए तो उसके बदले में कुछ कॉइंस आपको रिटर्न में मिलते थे, यानी सारे के सारे आप नहीं हारते थे, कुछ ना कुछ आपको रिटर्न मिलते थे। वो किसी से नहीं कटौती होते थे, यानी जीतने वाले की पार्टी से भी कटौती नहीं होते थे, जीतने वाली पार्टी से भी वही कटौती होते थे, सिर्फ जो जिस तरह यहाँ पर कैरम पूल में टैक्स के तौर पर कटौती होते हैं। लेकिन यहाँ पर बात ही उल्ट है। यहाँ पर लेजेंडरी स्ट्राइकर पता नहीं कितने कितने परचेज कर लिए, लेकिन उनका कोई भी फ़ायदा नहीं है, यहाँ पर कोई भी फ़ायदा नहीं है। बाल पूल में अगर आपके पास एक लेजेंडरी क्यू होती थी तो आपको जो कॉइंस बैकअप होते थे उसका रेशो कम होता था, जब आपके पास दो लेजेंडरी क्यू हो जाती थी तो रेशो बढ़ जाता था बैकअप का। इसी तरह जाते जाते उसमें फिर कुछ पहले तो ऐसा था कि उसमें 20 लेजेंडरी थी जो मैंने खुद परचेज की हुई थी, जो मैं जिस वक्त मैं प्ले किया करता था, आपका तो पता नहीं कि उसमें कितनी लेजेंडरी क्यूज होंगी, तो वो बैकअप जो था तकरीबन जो मिसाल के तौर पर बंदा प्ले करता था 30 मिलियन का, उसका बैकअप जो था वो 7 मिलियन वापस कॉइंस आ जाते थे। मैंने खुद किए हुए हैं बैकअप जो, यानी 7 मिलियन बनते हैं 70 लाख, उसकी जो उसका जो टेबल था वो 30 मिलियन यानी 3 करोड़ का था, तो उसमें 70 लाख वापस आ जाते थे। मजे की बात, यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पर तो टेबल ही छोटा है मिलियन का है, ठीक है, अगर यहाँ पर होता है तो यहाँ पर 30 मिलियन अगर बैकअप आता है तो बहुत बहुत मज़ा आएगा, तो हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आज हम रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं वो कैरम पूल वालों की जो है स्पेशल पेज है, इंस्टाग्राम पर आईडी है, वहाँ पर हम जाएंगे कैरम पूल वालों से रिक्वेस्ट करेंगे कैरम पूल वेबशॉप के बारे में। तो यहाँ पर हम उसकी आईडी देख रहे हैं कैरम पूल की, ये जो पोस्ट है उन्होंने एक पोस्ट की हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि आप क्या चाहते हैं कैरम पूल वेबशॉप पर, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर अपनी जो है राय दर्ज करूँगा। वाह क्या बात है, यहाँ पर जारा भाई ने भी वही लिखा हुआ यार, कैरम पास एंड गोल्डन शॉट बेस्ट ऑप्शन, तो ये बहुत अच्छी बात है यार, जारा भाई ने भी लिखा हुआ है कि यार कैरम पास और गोल्डन शॉट जो है ना वो वेबशॉप से परचेज हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ जो मैं कहूँगा कि वो कैरम पास ही वेब पर डाल दें, जिससे जो है ना वो लोगों को फ़ायदा हो, यानी बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो खुद परचेज नहीं कर सकते, मेरे जैसे दोस्तों को या फिर मेरे जैसे दूसरे दोस्तों को कहते हैं कि यार हमारी आईडी में कैरम पास को परचेज कर दो, तो यहाँ पर आईडी पासवर्ड देने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का जो डाटा होता है ना फेसबुक का या फिर गूगल का वो बहुत सिक्योर होता है, हर बंदे को देने वाला नहीं होता, इसलिए मुश्किल होती है, क्योंकि पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है भाई, वहाँ पर क्योंकि अभी नेटवर्क से नहीं परचेज कर सकते सेलुलर नेटवर्क से, इसलिए जो है ना ये बहुत ज़रूरी है वेबशॉप से। जितने भी दोस्त जो है ना वो कहते हैं कि वेकअप, बहुत ज़्यादातर यही होते हैं जो कहते हैं कि यार कैरम पास का गिव अवे किया जाए, तो इसीलिए जो है ना वो कैरम पास को जो है ना वो वेबशॉप पर कर देना चाहिए, यहाँ से प्रोडक्ट भी परचेज करना चाहिए जो कर सकता है, और कैरम शॉप सॉरी जो है ना कैरम पूल का जो वेबशॉप है ना वहाँ पर भी इसे कर देना चाहिए। और दूसरी बात जो है ना इसका जो है ना वेबशॉप, कैरम पूल का जो वेबशॉप है ना वो प्ले स्टोर पर भी लेदर से एंड्रॉयड के लिए भी दस्तयाब होना चाहिए, ये एक मेरी राय है, बाकी मुझे नहीं पता आप क्या चाहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि कैरम
शॉप जो है ना वहाँ पर कैरम पास का जो है ना वो ऑप्शन आना चाहिए। अब में से कौन कौन सा साथी ये चाहता है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और अगर आपके जहन में और कोई इस तरह की बात है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, और यहाँ पर शॉट के बारे में आप क्या कहना चाहिएगा तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह जितने भी गिव अवे हैं वो हमारे चैनल पर चल रहे हैं, आप जाकर वहाँ से हमारे गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, और हो सके तो दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत पेश आ रही है तो आप हमसे रابطہ कर सकते हैं। और अभी जो हमारा जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो गोल्डन शॉट की ट्रिक के बारे में आ रहा है, तो हमारी वीडियो का इंतज़ार कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फिर मिलते हैं, तब तक रब रखा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। Like this, it didn't exist, you made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know, it's easier.